और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। देर रात से हुई बारिश के बाद भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। छिनका और नंदप्रयाग के पास में पहाड़ी दर की है और मलबा पत्थर आने से सड़क बंद हो गई। प्रशासन की टीम दोनों जगहों पर हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईवे को खोलने का काम जारी है। प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड आज एक भी दिन भर बंद रहेगा और साथ ही स्वाला के पास में लगातार हो रही लैंडस्लाइड को देखते हुए चंपावत प्रशासन ने हाईवे को तीसरे दिन भी बंद रखने का फैसला लिया है। हाईवे बंद होने से चंपावत के साथ ही पिथौरागढ़ के लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी और 13 सितंबर के बाद में बॉर्डर के ये इकलौता हाईवे है जो कि 90% मौके पर बंद रहा। लंबे समय तक हाईवे नहीं खुल पाने के कारण NH पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईवे बंद होने से बॉर्डर के दोनों जिलों में जरूरी चीजों का भी संकट खड़ा होने लगा है। ज्योतिर्मठ में जल्द ही सुरक्षा संबंधी काम शुरू होंगे। सुरक्षात्मक काम के लिए पेयजल सिंचाई PWD ने DPR तैयार कर लिया है और सभी DPR को IIT रुड़की को भी भेज दिया गया जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद में ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक काम होंगे। ज्योतिर्मठ में अलकनंदा धौली नदी पर तटबंध बनाने के काम के साथ ही कई दूसरे काम भी होने हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में ज्योतिर्मठ में हुआ भारी भूधसाव जिसमें 9 वार्ड के 800 से ज्यादा घर प्रभावित हो गए, वहीं अभी तक 216 प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिला है। तीनों ही DPR IIT रुड़की में इवैल्यूएशन के लिए जा चुकी हैं। वहाँ की हाई टेक्निकल टीम जब उसको अप्रूव कर देगी या उसमें जो भी चेंजेस सजेस्ट करेगी उसके बाद ही टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया की जाएगी और जितने भी कार्य किए जाएंगे उसमें आगामी 25-30 वर्ष 50 वर्ष के जो जोशीमठ की आबादी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही और मुआवजे को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि सभी लोगों को मुआवजा दे दिया गया है, तो फिलहाल क्या अपडेट है? जी, अगर ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे दीर्घकालीन सुरक्षात्मक योजना तैयार होनी है, यानी कि ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में लगभग 50 साल या 60 साल की जो आबादी बढ़ेगी उसको लेकर अब यहाँ पे सीवर ड्रेनेज और इसके अलावा जो सुरक्षात्मक कार्य होने हैं उसकी पूरी DPR तैयार कर दी गई है और IIT रुड़की को ये सभी भेज दिए गए हैं। वहाँ से जैसे ही इस पर मोहर लगेगी कि जो डिज़ाइन तैयार किए गए हैं वो बिल्कुल सही है तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरे नगर क्षेत्र को 9 वार्डों में बांटा गया है और 9 वार्डों का जो विकास होना है, जो सुरक्षात्मक कार्य वहाँ पे होने हैं उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन बात यह है कि लगभग 21 महीने हो चुके हैं और 21 महीनों में जब ये सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हुए तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस पर सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और अब जाकर जिला प्रशासन ने कल लोगों से जब यहाँ पे वार्ता की तो उन्होंने इन पूरी रूपरेखा के बारे में बताया है कि भविष्य में जो दीर्घकालीन सुरक्षात्मक कार्य होंगे वो नगर के हित के लिए किए जाएंगे। पेयजल निगम, सिंचाई विभाग और PWD को इस पूरे कार्य के लिए चुना गया है, यानी कि इन योजनाओं को बनाने के लिए इन विभागों को कहा गया है और जो विभाग अभी भी काम कर रहे हैं। पूरा जो काम होना है वो जियो टेक्निकल सर्वे जो हो चुकी है इससे पहले उस सर्वे के आधार पर किया जाना है। बड़ी बात यह है कि जोशीमठ नगर क्षेत्र में पहले बताया जा रहा था कि 50 मीटर या 100 मीटर जमीन के अंदर पक्की चट्टान हो सकती है, लेकिन ऐसा कई जगहों पर नहीं मिला है तो ऐसे में अब 100-120 मीटर जमीन के अंदर जाकर इन सुरक्षात्मक कार्यों के लिए जो प्लानिंग तैयार की जा रही है उस पर भी IIT रुड़की को DPR भेजी गई है। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि जोशीमठ को लेकर जो दीर्घकालीन सुरक्षात्मक योजना बनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं नगरवासियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, तो लोगों को सीधा इससे लाभ मिलेगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और भगवान केदारनाथ के दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। हर दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब भी केदारनाथ हाईवे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी ट्रीटमेंट का काम जारी है, लेकिन इसके भी श्रद्धालु भारी संख्या में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पैदल रास्तों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं।
दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में केदारनाथ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। पैदल रास्ते हो या फिर हवाई रास्ते, दोनों ही रास्तों से बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अब रास्ते पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ठीक हो गए हैं, तो उसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं केदारनाथ मंदिर में। ऐसे में कितना उत्साह श्रद्धालुओं में और प्रशासन की तरफ से खास तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं और मौसम क्या अनुकूल है यात्रा के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि जो भगवान केदारनाथ की दूसरे चरण की यात्रा है वो अब उसने रफ्तार पकड़ ली, और जो प्रत्येक दिन हम पिछले कुछ सप्ताह पहले देखते थे कि 2 से 3 हज़ार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे प्रत्येक दिन, अब उनकी संख्या 10 से 11 हज़ार पहुंच चुकी थी। यानी प्रत्येक दिन 10 से 11 हज़ार श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो बात आपने कही कि जो रास्ते हैं और जो पैदल ट्रैक है, जो विगत माह जो जुलाई में आपदा आई थी उसके बाद जो पैदल यात्रा रूट था वो कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो 4 किलोमीटर का सड़क था वो भी कई जगह पे उस पर डैमेज हो चुकी थी, बह गई थी सड़क। हालांकि वहाँ पर अभी काम जारी है और पैदल मार्ग को भी ठीक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ये कहें कि जो यात्रा है वो इस समय अपने पीक मूड में है, और इस समय जो यात्री आ रहे हैं प्रत्येक दिन 10 से 11 हज़ार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और मौसम की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो केदार घाटी और खासकर रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें तो कल रात आप पीछे देख सकते हैं, कल रात लगातार कल रात्रि से यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ यात्रा है वो लगातार वहाँ पर जारी है, कोई नुकसान वहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अब जो यात्रा है दूसरे चरण की उसने अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ी, और अब भारी संख्या में नया रिकॉर्ड बाबा केदार की यात्रा को लेकर इस साल बनने वाला है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और बद्रीनाथ धाम में डॉक्टर बल्लभ शेट्टी अलकनंदा नदी में बह गए थे और अभी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। अब इसी बीच में बल्लभ जोशी के नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया जो कि बेहद डरावना है। मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर बल्लभ जोशी अपने पिता के साथ बद्रीनाथ आए थे, और इस दौरान बद्रीनाथ में उनके पिता का पैर फिसलने से वो नदी में डूबने लगे। पिता को बचाने के लिए बल्लभ जोशी भी नदी में कूद गए। अब डॉक्टर बल्लभ जोशी के पिता तो किनारे दीवार तक पहुंच गए थे, लेकिन खुद डॉक्टर बल्लभ जोशी नदी की तेज धारा की चपेट में आ गए और गहरे पानी की तरफ चले गए। उनकी तलाश के लिए आज भी बचाव दल सघन अभियान चला रहा है, लेकिन कोई भी पता नहीं चल पाया, और कल रात होने के बाद में अभियान रोका गया है, और आज अभियान एक बार फिर से दोबारा से शुरू किया जाएगा। और बल्लभ जोशी और उनके पिता मलेशिया के नामचीन डॉक्टर हैं। और खबर रुड़की से है, जहां पर आमकेड़ी गांव में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इसका वीडियो भी सामने आया और इस दौरान लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। ये संघर्ष देख रहे हैं आप, और इस खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मंगलूर कोतवाली का यह पूरा मामला है और अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। और रुड़की से अगली खबर है, जहां पर 22 सितंबर को एक अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तो एक बार फिर से इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच पर जमकर मारपीट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली का मामला है। और अब आपको रुड़की के उस एक्सीडेंट का वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से दो पक्षों में मारपीट हुई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पतली रोड में गाड़ी का एक बेकाबू गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है, जबकि बाइक सवार अपनी रफ्तार में था और गाड़ी का ड्राइवर खुद ही गाड़ी को संभाल नहीं सका। मामला गंगनहर कोतवाली इलाके के पाटली गुज्जर गांव का है। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। फिर गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की।
इस संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उन दो घायल युवकों में से एक युवक पंकज निवासी गुड़गांव हरियाणा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरा युवक अभी उपचाराधीन है। हरिद्वार में 1 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम पर हुई डकैती प्रकरण में जांच कर रही पुलिस ने डकैती का सीन रिक्रिएट किया। देर शाम ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को ने गिरफ्तार किए गए 3 बदमाशों को रिमांड मिलने के बाद में बालाजी शोरूम लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर डकैती की वारदात की बारीकी से जानकारी ली। डकैती प्रकरण का मुख्य सरगना सुभाष अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं लूटे गए माल की रिकवरी भी अभी तक नहीं हो पाई है। ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं, जिनको PCR पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनसे इनको PCR पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में जानकारी। किस घटना से जुड़े बदमाश है सर ये? डकैती से जुड़े बदमाश। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल के भीमताल में करोड़ों की चोरी चर्चाओं में बनी हुई है। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड के DGP ने कहा कि वो इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी देने में असमर्थ है। हालांकि DGP ने कहा कि मीडिया में कुछ खबरें जरूर हैं, लेकिन कोई भी वादी उनके पास तहरीर भी लेकर नहीं आया। DGP ने इसको अटकल बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि चोरी हुई है, लेकिन कोई उनके पास ही नहीं आया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भीमताल में चर्चा तेज हो गई थी कि यूपी का कोई रिटायर्ड अधिकारी के रिजॉर्ट में 50 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और बताया जा रहा है कि यूपी STF मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पूरे सिस्टम में हलचल है। ये बात आ रही है कि कहीं पे किसी अधिकारी के मकान से इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी चोरी हुई है। अमाउंट भी अलग अलग बातचीत की जा रही है। कोई कह रहा 50 करोड़ की चोरी हुई है, कोई कह रहा 65 करोड़ की चोरी हुई है। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास इस बारे में कोई किसी भी पीड़ित पक्ष से कोई शिकायत कोई तहरीर नहीं आई है। जब तक हमारे पास किसी वादी की कोई तहरीर नहीं आती, तो हम उसके बारे में कोई मतलब ठोस जानकारी देने में असमर्थ। यौन शोषण के आरोप में कई दिनों से फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने बोरा को यूपी के रामचंद्र से गिरफ्तार कर लिया है और वो कानूनी सलाह लेने दिल्ली से अपने वकील के पास में हल्द्वानी आ रहे थे और हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद में ही बोरा की गिरफ्तारी की गई और इसकी कोशिश की गई थी। बोरा पर दुग्ध संघ में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी की यौन शोषण के साथ ही एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला को बोरा ने परमानेंट नौकरी का भरोसा दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद में बोरा ने पूरी घटना को कुछ लोगों के द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश करार दिया। आप सबको पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे भोलू देवता और न्यायपालिका का भरोसा है। आज हमारी टीम ने इसको जो रामपुर क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से गिरफ्तार किया है। साथ ही जो इस विवेचना में इसकी सहायता करने वाले थे और फरारी के दौरान इसकी मदद करने वाले जो 4 अन्य लोग थे, उनको भी विवेचना में हमने शामिल किया है। उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की। मुकेश बोरा की गिरफ्तारी भले ही हो गई हो, लेकिन उनके काले कारनामों की फाइल अभी खुलनी बाकी है। बताया जा रहा है कि दूध की आड़ में कई राज ऐसे हैं जो कि काले कारोबार की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुकेश बोरा पकड़ में जरूर आ चुका है, लेकिन अभी उसके काले कारनामों का खुलासा होना बाकी है। आरोप है कि कार्यकाल के दौरान उसने अपने चहेतों को ठेका बांट दिया, तो टेंडरों में भी जमकर खेल किया गया। दुग्ध संघ में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो रजाई और कंबल की खरीद में घपले का आरोप है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब लैब टेस्ट में फेल दूध ही लोगों को पिला दिए गए। आरोप है कि मेलामाइन मिले दूध के 10 लाख पैकेट के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से भी मुकेश बोरा ने खिलवाड़ किया था। बड़ी बात यह है कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर मुकेश बोरा खुद दुग्ध उत्पादक बन गया और चेयरमैन की कुर्सी हासिल कर ली और सफेद दूध के काम को काले कारोबार की ओर धकेल दिया।
आपकी जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली है वो कहती है कि टेंडर प्रक्रिया के लिए आपको विधि और अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करना होगा। इन्हें कोई भी पालन नहीं किया, मर्जी से टेंडर करे, अपने चहितों को दिए और औने पौने दाम में दिए, करोड़ों का घोटाला किया, ये तो सीधा सीधा इनका घोटाला है। दूसरा क्या है कि बाहर से जो दूध मंगाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है इन्हें नीलकंठ डेयरी से 3 साल दूध मंगाया। ऐसा नहीं था कि मुकेश बोरा के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितता की जानकारी नहीं थी। आरटीआई के माध्यम से कई मामले सामने आते रहे, लेकिन अपनी ऊपरी पहुंच के चलते उसके कामों पर पर्दा पड़ा रहा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कमिश्नर कुमाऊं की जांच में कई आरोप सही पाए गए, जिसके बाद दीपा देवी दुग्ध उत्पादक के नाम पर तैयार दस्तावेजों का खुलासा हुआ और वही के कर्मचारी उमेश यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि इसके बाद भी मुकेश बोरा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांचें भी थी और टेंडर संबंधी घोटाला भी पाया गया था और यहां तक कि लोक संघ अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में भी जांच समिति ने कुछ सवाल उठाए थे, जो कि उसमें कुछ फोर्जरी सामने आई थी। इन सब बिंदुओं पर क्योंकि जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे और बहुत सारे इसमें विषय हैं। ऐसा नहीं है कि सफेद दूध के कारोबार में सब कुछ व्हाइट है, इसमें कई काले कारनामे भी छिपे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुग्ध संघ में उजागर हुए भ्रष्टाचार की कोई जांच होगी या कोई कार्रवाई होगी, यह अभी भविष्य के गर्त में है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम में तब्दील हुए महीना भर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन निगमों में ना तो आयुक्तों की नियुक्ति हो पाई है और ना ही अन्य जरूरी कर्मचारियों की। अब हालात ये हैं कि पालिका के कर्मचारी ही निगम चला रहे हैं। अब ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुमाऊं की दो पहाड़ी नगर पालिकाओं को निगम बने महीना होने को है, लेकिन ये निगम अभी भी नगर पालिका के कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहे हैं। अल्मोड़ा हो या फिर पिथौरागढ़, दोनों निगमों में सरकार महीने भर से कमिश्नर तक को नहीं बैठा पाई है। ऐसे में दोनों नगर निगम फिलहाल राम भरोसे चल रहे हैं। कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होने से निगमों का कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए नगर निगम की तत्काल घोषणा कर दी गई और उसके बाद अभी तक लगभग एक माह से ऊपर हो चुका है, अभी तक नगर आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है, लेखाधिकारी की नियुक्ति की नहीं है, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वेतन के लाले पड़ गए हैं और पूरी वित्तीय व्यवस्था जो चरमरा गई है। नहीं, अभी क्योंकि प्रशासनिक विषय जानकारी में आता है तो जिलाधिकारी सर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उप जिलाधिकारी इस दिशा में काम सौंपेंगे, लेकिन मैं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो माननीय जिलाधिकारी से बात करूंगा कि समाधान निकलना चाहिए। नगर निगमों में कमिश्नर के साथ ही दो सहायक आयुक्तों की भी नियुक्ति होती है। यही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए वित्त अधिकारी की तैनाती भी की जाती है। इनके साथ ही हेल्थ ऑफिसर ईई और जेई भी भारी संख्या में रखे जाते हैं, लेकिन इन दोनों निगमों में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि पहाड़ के दोनों नगर निगम महीने भर से प्रशासकों के हवाले हैं। पता चला कि वर्तमान में जो हमारी नगर पालिका अल्मोड़ा थी, इसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरी शासन में शहरी विकास के निदेशक से सचिव महोदय से वार्ता हो चुकी है और बहुत जल्दी ही नगर आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका को निगम बनाकर लोगों को एक तोहफा दिया है, लेकिन ये तोहफा तभी कारगर होगा जब यहाँ जरूरी स्टाफ की तैनाती होगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।